हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं एक टॉपिक आपसे जिसका नाम है राइट ऑफ पर्संस अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और यू कैन से अ पर्सन हुज राइट हैविंग डायरेक्टरशिप अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। यानी कि कोई ऐसा पर्सन जिसको आप कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, या फिर जो खुद कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है बट ही इज नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बात बताऊं कि सेक्शन 152 जब हम डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो 152 के सेक्शन में यह बताया गया है कि जो डायरेक्टर रिटायरिंग डायरेक्टर है, 152 सबसेक्शन 6 आप पढ़ेंगे, रोटेशनल डायरेक्टर की बात होती है, तो आप जानते हैं कि कंपनी के जो टोटल डायरेक्टर होते हैं उसके 2/3 रोटेशनल डायरेक्टर होते हैं और 1/3 परमानेंट डायरेक्टर होते हैं। रोटेशनल डायरेक्टर्स में से भी 1/3 डायरेक्टर जो होते हैं दे आर एक्चुअली रोटेटिंग, 2/3 आर लाइबल टू बी रोटेटेड बट 1/3 आर एक्चुअली रोटेटिंग, एंड these rotational directors are called retiring director। ये retiring director जो होते हैं ना वो rotational ही होते हैं, तो इनको हम दोबारा appoint कर सकते हैं। retiring directors can be reappointed, okay? अब यदि retiring directors reappoint हो सकते हैं तो क्या किसी और director को directorship के लिए opportunity मिल सकती है? प्रॉब्लम ये है, अभी प्रॉब्लम समझिए मेरी, कि अगर रिटायरिंग डायरेक्टर दोबारा रीअपॉइंट हो सकते हैं तो क्या ऐसा भी प्रोविजन है कि किसी और व्यक्ति को डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया जा सके हु इज नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर? सो यस, आंसर इज इन अफर्मेटिव, एंड यस, अ पर्सन अदर देन अ रिटायरिंग डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। बट For this purpose, we have to follow section 160. Section 160 को हमें follow करना होगा, and the procedures are given in that section only. What is the procedure? We will discuss. Section 160 provides any other person to be a director of the company, and उसके साथ साथ किसी company को भी empower करता है, 160 किसी कंपनी को भी एम्पावर करता है टू मेक अ फ्रेश अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। बट इन सम केसेस देयर आर एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो कौन से एक्सेप्शंस हैं उस पे जाने से पहले दो पावर ये सेक्शन 160 देता है किसको, किसी अदर पर्सन को जो रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है उसको कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करना इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, और दूसरा कंपनी को पावर देता है कि आप फ्रेश अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, जरा उसको ध्यान से देखेंगे। एक्सेप्शंस हैं, पहला कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें सारे की सारी पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय हुम, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन कॉम्बिनेशन, तो फिर इस केस में जब सारी कैपिटल गवर्नमेंट के पास है तो वहां पर ऐसी कंपनी में ये नियम अप्लाई नहीं होता, यानी कि सेक्शन 160 लागू नहीं होता। अब 160 लागू नहीं होता यानी कि जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वही रीअपॉइंट हो जाएगा और किसी और पर्सन को डायरेक्टरशिप के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ कोई उसी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, उस कौन सी गवर्नमेंट कंपनी, वही जिसके सारे के सारे शेयर कैपिटल किसके पास हैं, कौन से शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या उन दोनों के पास आपस में मिलकर के हैं। एंड देन एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर रोटेशन की जो प्रोसीजर है वो लागू ही नहीं है, तो उनके लिए कोई बात ही नहीं है, उनके ऊपर लागू नहीं हो रहा। और कोई सेक्शन 8 कंपनी जिसका आर्टिकल ये कहता है कि यहां पे डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट पोस्टल बैलेट से होगी, कैसे होगी, पोस्टल बैलेट के थ्रू होगी, तो दीज आर फोर सिचुएशंस इन विच सेक्शन 160 डज नॉट अप्लाई। ओके, व्हाट 160 सेज ये मैंने आपको बताया, एंड वेयर सेक्शन 160 डज नॉट अप्लाई ये मैंने आपको बताया।
Now we are moving further. How a person can just make a notice to the company that I or we want to be appointed as a director of the company. We are other than retiring director. सबसे पहले आपको कौन नोटिस देगा ये बात समझे. Who is eligible to give notice? कोई भी person, any person, a person. लेकिन जब हम a person की बात करते हैं तो इसका मतलब उसके पास DIN होना चाहिए, वो eligible होना चाहिए director appoint होने के लिए. तो a person other than a retiring director can give a notice of his own candidature. कोई भी person बोल सकता है कि मैं directorship के लिए stand कर रहा हूं. दूसरा, कोई भी व्यक्ति किसी और को बोल सकता है कि ये डायरेक्टरशिप के लिए स्टैंड कर रहा है, यानी खुद के लिए या किसी और के लिए आप कंपनी को नोटिस दे सकते हैं कि आई एम जस्ट स्टैंडिंग फॉर द डायरेक्टरशिप. ओके, अप्लाइंग फॉर कैंडिडेचर ऑफ डायरेक्टरशिप. ठीक है, तो ये दो तरह से नोटिस जाएगी, खुद के लिए या किसी और के लिए. नोटिस कितने दिन के अंदर जाएगी और किसको जाएगी? तो कंपनी को नोटिस जाएगी, कंपनी को नोटिस जाएगी और इसकी टाइम लिमिट होगी 14 डेज, नॉट लेस देन 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग. यानी कि अगर मान लीजिए यहां पे ये डेट है जनरल मीटिंग की, यहां पे जनरल मीटिंग होनी है, तो इसके कम से कम कितने दिन पहले? 14 डेज, 14 दिन पहले आपको क्या करना है? नोटिस दे देनी है कंपनी को कि मैं या ये व्यक्ति चाहता है कि इस कंपनी में डायरेक्टर बनना. बट अगर आपने ध्यान दिया हो तो सेक्शन 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स द सेंडिंग ऑफ नोटिस अबाउट अ मीटिंग. किसी मीटिंग के लिए नोटिस भेजने की बात करता है 101 और कहता है कि कम से कम नॉट लेस देन 21 क्लियर डेज नोटिस जानी चाहिए किसी मीटिंग के लिए. तो अगर 21 दिन की नोटिस जानी है और हम कितना दे रहे हैं? 21 दिन से कम की नोटिस दे रहे हैं, तो क्या ये वैलिड नोटिस होगी? तो फिर हमारा सेक्शन 160 कहता है यस, दिस विल बी अ वैलिड नोटिस, बट देयर मस्ट बी अ गैप ऑफ एटलीस्ट नॉट लेस देन 14 डेज. 14 दिन से कम का गैप नहीं होना चाहिए, 21 दिन से कम चलेगा, 15 दिन का दीजिए, 16 दिन का, 20 दिन का, 21 दिन का कोई दिक्कत नहीं है, बट 14 दिन से कम का नहीं होना. ओके, नोटिस शैल बी गिवन एट लीस्ट 14 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग. इफ द नोटिस अंडर सेक्शन 160 इज रिसीव्ड बाय द कंपनी आफ्टर डिस्पैच ऑफ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, यानी कि ये जो 21 दिन वाली नोटिस है इसके बाद हमें नोटिस मिल रही है, कौन सी वाली? डायरेक्टरशिप वाली. तो फिर इट इज अ वैलिड नोटिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड इट इज रिसीव्ड एट लीस्ट 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग. सर ये नोटिस कहां भेजी जाएगी? यानी कि अगर हमने मुझे या फिर मेरे द्वारा किसी व्यक्ति को डायरेक्टरशिप के लिए अपॉइंट करना है या उसके लिए नोटिस भेजनी है तो कहां भेजी जाएगी? तो कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस पे. कहां? कोई और प्लेस पे नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस पे वो नोटिस सेंड होगी. एंड देन कंपनी फिर एक प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी और वो बाकी मेंबर्स को बताएगी कि कोई और भी है जो इस कैंडिडेचर के लिए आ रहा है, उसके बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कंपनी क्या किसी का भी नोटिस एक्सेप्ट कर लेगी? क्या कोई भी आकर के अपने आप को बोलेगा हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं? अननेसेसरी बर्डन क्रिएट करेगा कंपनी के ऊपर. अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, हम अलाउ करते हैं कि कोई भी व्यक्ति आकर के ये काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम 1,00,000 रुपए का डिपॉजिट देना होगा उस व्यक्ति को जो चाहता है कंपनी में डायरेक्टर बनना. यानी कि अपॉइंटमेंट से पहले आपको 1,00,000 रुपए कंपनी के पास जमा करना होगा कि हम चाहते हैं इस कंपनी में डायरेक्टर बनना, और ये हमारी डिपॉजिट मनी हो गई. ओ माय गॉड, यस, आपको जमा करना होगा. बट अगर ये निधि कंपनी है ना, तो वहां पे 1,00,000 रुपए नहीं, बस 10,000 रुपए में काम चल जाएगा, केवल 10,000. यस, ₹1,00,000 शैल बी डिपॉजिटेड अलॉन्ग विद द नोटिस. नोटिस के साथ साथ जमा करना है आपको. इन केस ऑफ निधि शैल बी ₹10,000, निधि के केस में 10,000 रुपए. सर ये पैसा जब जमा हो जाएगा तो क्या वापस मिलेगा या फिर कंपनी रख लेगी? देखिए, अगर मैंने आपसे ये कहा कि ये अननेसेसरी नोटिस है या अननेसेसरी आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो फिर
आपको वोट ही नहीं मिलेगा। आप सीरियस हैं, आप एलिजिबल हैं, आप वाकई बनना चाहते हैं, तो फिर आपका पैसा वापस मिल जाएगा। कब? यदि आप डायरेक्टर अपॉइंट हो जाते हैं। पहला सिचुएशन, अगर आप डायरेक्टर अपॉइंट हो गए तो आपका पैसा वापस। दूसरा, अगर आप डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होते कोई बात नहीं, हर कोई तो नहीं होगा ना, लेकिन आप एक सीरियस कैंडिडेचर के रूप में आए हैं, कैंडिडेट के रूप में आए हैं, और आपने टोटल वोट कास्ट जो हुए हैं, चाहे वो बाय शो ऑफ हैंड हुए हों या बाय पॉलिंग हुए हों, उसके 25% वोट्स आपने गेन किए, 25% आप एक चौथाई के उसमें पार्टिसिपेंट हैं, देन फिर ओके चलेगा, आप अच्छे कैंडिडेट हैं और आपका पैसा वापस किया जाएगा। ठीक है, आपकी जमानत जो है वो जब्त नहीं की जाएगी। ये दो सिचुएशन है जब आपका पैसा वापस हो जाएगा। ओके, द डिपॉजिट शैल बी रिफंडेड इफ द कैंडिडेट गेट्स इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर, फर्स्ट सिचुएशन, और गेट्स मोर देन 25% ऑफ द टोटल वोटिंग वैलिड वोट कास्ट। अच्छा, वैलिड वोट कास्ट, ध्यान से सुनिएगा, जो इनवैलिड वोट कास्ट होंगे, ऐसा नहीं कि हम अपना पैसा बचाने के लिए बहुत सारे इनवैलिड वोट कास्ट करवाएं, तो जो वैलिड वोट्स हैं वो केवल उन्हीं के लिए, उसकी उन टोटलिटी में से 25% काउंट किए जाएंगे, आइदर शो ऑफ हैंड और ऑन पोल, या तो जैसे भी मीटिंग में वोट हो रहे हो, शो ऑफ हैंड से हो रहा हो, या फिर शो ऑफ हैंड से होगा तो फिर वैलिड वोट होंगे होंगे, इनवैलिड का सवाल ही नहीं है, और बाय पोल होगा तो फिर वहां हो सकता है, तो इनवैलिड है तो कोई बात नहीं है, उसको छोड़ देंगे। आइए, लेकिन देयर आर सर्टन सिचुएशंस इन विच केस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिटिंग सम अमाउंट ऑफ मनी। वो सिचुएशन कौन सी है? पहली, जहां पर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बहुत ध्यान से, जहां पर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, वहां पे हमें कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज इन इटसेल्फ एन इंडिपेंडेंट पर्सन, और वो इंडिपेंडेंट होता है, उसको कोई कंपटीशन की जरूरत ही नहीं होती है, और उसको बहुत रिक्वेस्ट से लाया जाता है कंपनी में कि आइए प्लीज हमारे कंपनी में डायरेक्टर बन जाइए, वो क्वालिफाइड पर्सन है, तो उसके लिए पैसा जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है जो रिकमेंडेड है बाय द नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी, ये क्या होती है? इसका काम ही होता है नॉमिनेट करना डायरेक्टर्स को और उनके रेमुनरेशन को फाइनल करना, या ऑडिटर्स के साथ ऐसा करना। तो ऐसे नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी, एक ऑडिटर कमेटी होती है 177 में कंपनीज एक्ट के, और 78 में एनआरसी कमेटी होती है, एनआरसी होती है कमेटी, उसमें जुड़ा हुआ है नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी। तो ये अगर रिकमेंड करती है मेंबर्स को कि इस व्यक्ति को आप डायरेक्टर अपॉइंट करिए, ही इज एलिजिबल पर्सन, देन वहां पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है। वो इसका मतलब ये हुआ कि वो जेन्युइन व्यक्ति है। और जहां पे, क्या हर कंपनी में एनआरसी होती है? नहीं, नॉमिनेशन रिमेनेशन कमेटी हर कंपनी में नहीं होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वहां होती है। तो जहां ये एनआरसी नहीं है, वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं मेंबर्स को कि आप इस व्यक्ति को अपॉइंट करिए। तो ऐसे व्यक्ति को भी जो अपॉइंट हो रहा है डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिकमेंडेशन पे, तो वहां भी पैसे जमा करने की जरूरत नहीं होती है, अदरवाइज बाकी केसेस में डिपॉजिट करना पड़ता है। तो इट शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और अ डायरेक्टर रिकमेंडेड बाय एनआरसी इफ एनी कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 178 सबसेक्शन 1, और अ डायरेक्टर और recommended by board of directors of the company in case of a company not required to constitute NRC. Clear है? अब आइए, अब मैंने ये आपको बता दिया कि कौन व्यक्ति बन सकता है, ये बताया मैंने। मैंने उसके बाद आपको ये बताया कि भाई notices कैसे send होंगे, कितने दिन के अंदर, फिर जो deposit है उसका क्या scene है, और अब ये notice company को मिल जाती है कि 14 दिन के पहले की notice मिल जाती है company को, तो फिर उसके बाद कंपनी क्या करती है? तो कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि सारे के सारे मेंबर्स को इस बात की इंफॉर्मेशन देना कि समवन एल्स इज आल्सो मेकिंग अ कैंडिडेचर फॉर द डायरेक्टरशिप एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना कि कोई और भी आ रहा है रिटायरिंग डायरेक्टर के अलावा, और उसका नाम वगैरह ये सब डिटेल सारी देना होता है। तो कैसे देगी कंपनी इसके लिए? तो पहला तरीका, या इंडिविजुअल बेसिस पर सबको मेल किया जाएगा, इंडिविजुअली दी जाएगी नोटिस, सबको मेल किया जाएगा। मेल अगर नहीं हो सकता है तो फिर रिटन में सबको इंफॉर्मेशन दीजिए।
रिटर्न के अलावा क्या और भी तरीके हैं? जी हाँ, और भी दूसरे तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट पर अपडेट कर देना, या आप दो न्यूज़पेपर में इस बात की इंफॉर्मेशन अपडेट करवा दीजिए, और दो न्यूज़पेपर में, एक लोकल लैंग्वेज में होगा और एक इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और इससे पता चल जाएगा सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को कि भाई हाँ, कोई और भी आ रहा है। तो नोटिस टू मेंबर्स, द कंपनी शैल इन्फॉर्म इट्स मेंबर्स अबाउट द कैंडिडेचर ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर। मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस क्या होगा? इंडिविजुअल नोटिस सेंड होंगे ईमेल के द्वारा, या नो ईमेल एड्रेस है तो फिर राइटिंग में, प्लेसिंग नोटिस ऑफ द कैंडिडेचर और इंटेंशन ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। अच्छा, कैंडिडेचर और इंटेंशन दो बोलिए, या फिर एडवर्टाइज कर दीजिए न्यूज़पेपर में, और वो इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में होगा। और जो इम्पॉर्टेंट बात है ये है कि ये इंफॉर्मेशन कितने दिन के पहले, ये देखिएगा 14 डेज के पहले, ये 14 दिन का टाइम होना चाहिए कम से कम मीटिंग में, और कम से कम 7 दिन के पहले कंपनी सारे के सारे मेंबर्स को बता देगी। 7 डेज का टाइम होगा, इसके पहले सारे के सारे मेंबर्स को ये बात बता दी जाएगी। कैसे मोड होगा, क्या कैसे बताई जाएगी, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 160 विच डील्स विद अ पर्सन हु इज नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर एंड मेकिंग नोटिस फॉर कैंडिडेचर ऑफ डायरेक्टरशिप। क्लियर है? तो अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर के अलावा दूसरा कोई डायरेक्टर बनना चाहता है तो 160 को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, दिस वॉज ऑल अबाउट 160। थैंक यू सो मच।